नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के बुलंदशहर में ग्रेटर नोएडा टोल पर बीजेपी विधायक के गुंडाई, बुलंदशहर की डिबाई विधायक के गुर्गो ने टोल कर्मी को पीटा। वहीं आपको बता दें कि टोल कर्मी को नॉर्मल लाइन से निकालने के बोलने पर बेरहमी से पीटा। टोल कर्मी को जबरन गाड़ी में भी खींचकर डालने की कोशिश की गई। बुलंदशहर की डिबाई विधायक अनिता लोधी के गुर्गो पर मारपीट करने का आरोप लगा है। विधायक अनिता धोली खुद गाड़ी में मौजूद थी। पूरा मामला टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। विधायक जी, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपकी गाड़ी खड़ी है और वहाँ आपके लड़के टोल प्लाजा पर झगड़ा कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि न्यूज़ समाचारों में जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि हमारे लड़कों ने या हमने टोल ना देने की वजह से ऐसे झगड़ा हुआ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि टोल देने का कोई विषय ही नहीं था। हमारी गाड़ी जा रही थी तो जो बूथ होते हैं उन बूथों पर कोई भी लड़का, लड़की या कर्मचारी उस समय मौजूद नहीं थे और उन्हीं उसी वजह वो दूर करीब 100-150 मीटर दूर खड़े हुए थे और अपना कोई फ़ोन पे बात कर रहा था, झुंड बना के खड़े हुए थे। तो उनको इशारे से मेरे ड्राइवर ने बुलाया और कहा कि ये जो बैरियर है इसे हटाओ। तो उन्होंने हमें वहीं से निर्देश दे दिया, 100 मीटर की दूरी से आँख दिखाते हुए हमें निर्देश ये दे दिया कि इसको अपने आप हटा लो और गाड़ी निकाल लो। तो इस पर हमारे लड़कों ने कहा कि ये कोई तरीका है, तुम बूथ में क्यों नहीं हो और यहाँ वहां से हमें और ज्ञान दे रहे हो। तो इसी बात को लेकर लड़कों में आपस में कहासुनी हुई और इस कहासुनी को लेकर मैंने भी बीच बचाव करने के लिए मैं गाड़ी से उतरी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जो सारे थे फिर वो सारे इकट्ठे होकर टोल पर आ गए, जितने भी कर्मचारी थे और मेरे एक गनर और मेरे एक ड्राइवर और मेरे एक पीआरओ थे और उनमें आपस में हमें कहासुनी हुई। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, इसको गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया जा रहा है।